ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। आज मैच एकदम मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैच होगा वो भारत जीतेगा ही जीतेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो विराट कोहली समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि शिवम दुबे को ड्रॉप करना चाहिए, एसएसपी को ओपन करा के विराट को तीन नंबर बैटिंग पे लाना चाहिए और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक अलग प्रेशर साउथ अफ्रीका की टीम को। मेरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया जीत जानी चाहिए। डेफिनेटली सर, ऑल द बेस्ट इंडिया टीम, इंडिया। जैसे कि देख रहे हैं सभी प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, जैसे विराट कोहली अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो विराट कोहली से उम्मीद रहे कम से कम फाइनल में रन बनाए, बाकी रन ना बनाना बनाना तो अलग बात है, परफॉर्म करें, टीम को अच्छा स्टार्ट दें, ओपन कर रहे हैं। बाकी रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग में तो बुमराह वन मैन आर्मी चल रहे हैं, बाकी सब सारे बॉलर अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर्स खास करके बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, तो सभी से उम्मीद रहेगी। और साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम है, अच्छा कंपटीशन, बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका और इंडिया के प्लेयर्स में। लेकिन जो ये ट्रॉफी है, लगभग कई सालों से ट्रॉफी अपने पास ये नहीं है आईसीसी वर्ल्ड कप की। देखें आप ये देखेंगे कि कई सालों से ट्रॉफी आई ही नहीं है, पर इंडिया हमेशा सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई करती रही है, तो इंडिया को आप खराब टीम नहीं कह सकते हैं। हालांकि फाइनल सेमीफाइनल में जाके लक साथ नहीं देता, कुछ गलतियाँ होती हैं, सबसे किसी से गलतियाँ पहले लीग स्टेजेस में हो जाती हैं, किसी जाके सेमीफाइनल फाइनल में होती हैं, तो वो अलग चीज़ है। बाकी ट्रॉफी इस साल सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आनी चाहिए ट्रॉफी, यही उम्मीद है कि इस बार इंडिया जीत जानी चाहिए। तो जो जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मतलब खेला है, का परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार इंडिया ही जीते। यस, ट्रॉफी कई सालों से पास नहीं है। जी जी, यही उम्मीद है कि इस बार इंडिया इस बार हमारे लिए ट्रॉफी लेकर आए और हमारा भी नाम रोशन करे भारत का। किस प्लेयर से ज़्यादा उम्मीद है आप? विराट कोहली और रोहित शर्मा। चैंपियन हो रहे हैं हम, 2011 के बाद दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है भारत, एक बैलेंस टीम खेल रही है, अच्छा कर रही है, हर प्लेटफॉर्म पर अच्छा कर रही है, तो छोटे फॉर्मेट का गेम है, अच्छा करेंगे। प्लेयर्स की बात करें, बैटिंग बॉलिंग की, तो अब मुझे जो एज ए कोच लगता है, मैं उस लेवल पर क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है, मुझे लगता है कि शिवम दुबे को ड्रॉप करना चाहिए, यशस्वी को ओपन करा के विराट को तीन नंबर बैटिंग पे लाना चाहिए और लेफ्ट राइट का एक कम्बिनेशन बनेगा, एक अलग प्रेशर साउथ अफ्रीका की टीम पे होगा। साउथ अफ्रीका की टीम क्या किस तरीके से उसको देखते हैं, स्ट्रॉन्ग है? नहीं, देखिए फाइनल तक पहुँची है, दोनों टीमें तो स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि दोनों अनबीटन है, अभी दोनों इस वर्ल्ड कप में हारी नहीं है, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन हम 20 हैं, अच्छा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़, अभी तक तो बहुत अच्छा खेलती आई हुई है टीम, जो कि जैसा हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला था कि बहुत अच्छा खेलती आई हुई है, एक छोटे से अपसेट की वजह से ओडीआई का वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया, जो बिल्कुल एकदम करीब था हमारे, लेकिन हमको अच्छे से पता है कि इस बार टीम इंडिया वो गलती नहीं करेगी, वो गलती नहीं दोहराएगी जो पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में दोहराई थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गलती नहीं दोहराएगी, और मुझे बहुत ही गट फीलिंग आ रही है कि इस बार वर्ल्ड कप 13 साल बाद हमारे देश में वापस आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप हमारे देश में वापस आने वाला, जो धोनी के समय में आया था और काफ़ी समय से ICC ट्रॉफीज़ का सूखा पड़ा हुआ है हमारे देश में, वो भी इस बार हमें उम्मीद है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में और उनके जो खेल, जो वो खेल खेल रहे हैं, फेयरलेस खेल, जो सेल्फलेस खेल जिसको कहते हैं, जिस तरीके से वो खेल अपनी बैटिंग कर रहे हैं, आज हमें देखने को मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा आज, और बहुत ही अच्छा राइवलरी जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच होगा, और साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक है उनकी, तो
उसके लिए भी प्रिपरेशन हमारी टीम इंडिया कर रही होगी, बहुत मेहनत कर रही होगी, थोड़ा बस बारिश ने बाधा डाले जिसकी वजह से मैच में कोई खलबली ना हो, जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि उस समय तक मौसम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है जहाँ पे मैच है बारबाडोस में फाइनल है उसका, और उम्मीद जताई जा रही है कि वहाँ पे शायद वेदर जो है वहाँ पे 80% बारिश का दिखा रहा है, तो उम्मीद हमें मुझे यही है कि फाइनल अगर पूरा हो और समय से हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, जैसे कि कल सेमीफाइनल मैच हुआ वो हमको देखने में पूरा, समझिए कि आप 2 बज गया वो मैच खत्म होते होते जिसकी वजह से इंतज़ार करते करते, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि टाइम से मैच शुरू हो और एक अच्छा मैच देखने को मिले, और ये भी पूरी आशा रखता हूँ अपने भारतवासियों से कि कोई भी टीवी छोड़ के नहीं हटेगा, जितने भी जहाँ भी आज मैच एकदम, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैच होगा वो भारत जीतेगा ही जीतेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे देशवासियों के लिए, वो क्योंकि वो केवल 11 प्लेयर नहीं खेलेंगे, वो पूरी 134 करोड़ जनता खेलेगी यहाँ पे। There is a saying in Kannada, sir, that is Isala Kappu Nam Deso. The same thing I would like to say that this time also India is going to win the World Cup. I do understand it's going to be an exciting match as both the teams are very competitive and they have not lost even a single match till now. So I am really looking forward for Team India and especially Rohit Sharma's batting to keep rocking like as he is. Yeah. Do you wish Indian team? Definitely, sir. All the best, India. Team India. Subscribe karo Gujarati Midday. बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन.